बच्चे हैं। तो आज शुद्धि संस्कार सैफई में, जिसमें अब नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए हैं, और इस बीच आपको बता दें वो सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। राम गोपाल जब भी बैठे हुए हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार भी मिलने के लिए पहुंचे हैं और अखिलेश से मिले, और ये सीधी तस्वीरें हैं सैफई की। तो आज शुद्धि संस्कार है और परिवार के तमाम लोग एक साथ मौजूद है सुबह से ही, और इस बीच नीतीश भी पहुंचे और कल अंतिम संस्कार में तमाम लोग इस तरीके से, चाहे राजनेता हो चाहे अभिनेता हो, पहुंचे और उनके अपने प्रियजन, और अब आज शुद्धि संस्कार में अपने प्रियजन पहुंचे। तो सैफई से लाइव सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे और नीतीश कुमार ने सांत्वना भी दी, और इस बीच आपको बता दें कि लगातार जो सांत्वना देने का भी सिलसिला पूरी तरीके से लगातार जारी है। तो आज परिवार के सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं और अभी जो है वो शुद्धि संस्कार को लेकर के लाल पहुंचे हुए हैं, और इस बीच नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए हैं। विशेष विमान से सैफई पहुंचे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने दी सांत्वना। और संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, संजय मुलायम को श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार किस तरीके से लोग पहुंचे, और अब इसी कड़ी में नीतीश भी पहुंचे और सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको आलोक की नीतीश कुमार कल चूंकि नहीं पहुंच पाए थे कि और कल अंत्येष्टि का दिन था नेताजी को श्रद्धांजलि देने, तो आज ही नीतीश कुमार पहुंचे हैं। कुछ ही मिनट पहले नेताजी के आवास पहुंचे हैं, और जहां पर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव सहित पूरा परिवार है वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से मुलाकात करके उनका ढांढस बंधाते नजर आए हैं। और नीतीश कुमार काफी पुराने नेता है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि नेताजी के वक्त के नेता है, और आप बिहार के सीएम भी हैं, और ऐसे में उन्होंने 2024 की तैयारियों को लेकर के समूचे विपक्ष को एक करने का जो बीड़ा उठाया था, उसके पहले भी दिल्ली में जाकर के जब नेताजी थे उसे मुलाकात भी की थी। तो ऐसे में आज नीतीश कुमार पहुंचे हैं, कुछ ही पल पहले वो सीधे आवास नेताजी के सैफई के आवास पे पहुंचे, और वहां पर उनसे उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अखिलेश यादव और परिवार के लोगों से मुलाकात करके उनका ढांढस बंधा रहे हैं और बाकी चीजों पर भी बात कर रहे हैं। जी फिलहाल अब आज शुद्धि संस्कार था, सुबह से उनके अपने जो थे परिजन वो पहुंचना शुरू हो गए थे, फिलहाल अभी इस वक्त क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है? बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि सुबह शुद्धि संस्कार था, शुद्धि संस्कार में परिवार के सभी सदस्य जो है वो मौजूद रहे, और उसके बाद जो लोगों के आने का सिलसिला है वो शुरू हुआ श्रद्धांजलि देने का, और कहीं ना कहीं श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जो दौर है वो सुबह से ही घर पर शुरू है, और जो शांति पाठ है उस पाठ का भी आयोजन किया गया है। तो ऐसे में सुबह से ही तमाम बड़े लोग जो है मौजूद है, और अभी नीतीश कुमार बिहार के सीएम पहुंचे हुए हैं, उनके साथ केसी त्यागी पहुंचे हैं, साथ में कई जो है और विधायक भी पहुंचे हुए हैं। तो लगातार सवेरे से जो मिलने का और लोगों के आने का सिलसिला है भाई आवास पर, तो वो शुरू है। हेलो, बिल्कुल, आज अगर बात करें संजय, आप सुबह से ही लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं कौन पहुंचा वहां पर, किस तरीके का शुद्धि संस्कार चल रहा है, लेकिन आज जो सैफई में जो रौनक हुआ करती थी जो लोगों के बीच, वो आज कहीं ना कहीं सैफई आज लग रहा है कि रो रहा है अपने नेता मुलायम सिंह यादव को याद कर आंसू बह रहा है, और इस बात को शायद अखिलेश यादव के ट्वीट से भी साफ तौर पर समझा जा सकता है जो फोटो उन्होंने शेयर की। संजय बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट की और उसमें लिखा कि आज उगता सूरज बिना जो है सूरज के दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर की भावनाएं जिस कमी को महसूस कर रहे हैं, और पिता के जाने के बाद एक पुत्र के दिल में किस तरीके का दर्द होता है वो सब कहीं ना कहीं नजर आया है ट्वीट पर, और यही वजह है कि सुबह से ही लोगों को आने का और मिलने का जो सिलसिला है वो शुरू है। और सैफई की बात करें तो सैफई आज बस वीआईपी के मूवमेंट और नेताजी की कोठी के आसपास ही आपको तमाम लोग कहीं ना कहीं
दिख रहे हैं। बाकी जगह पर बात करें, बाकी के रास्ते बात करें, तो वहाँ पर सुनी सड़कें और सुनसान गलियां आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा वो दिक्कत है लोगों को, कहीं ना कहीं शोक है लोगों के जहन में, और उस दर्द को कहीं ना कहीं भुलाने का प्रयास जरूर है, लेकिन चूंकि नेताजी अब पंचतत्व में विलीन हो गए हैं तो अब केवल यादों तक सीमित है, विचारों में सीमित है, लेकिन लोगों को आने का सिलसिला है लगातार जारी है। आलो जी, बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक मुलायम के सिंह के छोटे भाई अभय राम यादव के घर पर अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, राजपाल यादव, तेज प्रताप यादव पहुंचे और शुद्धि संस्कार की सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो तो संजय पूरी करा ली गई, लेकिन इसके बाद अखिलेश उस घर में भी आ गए जहां पर लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं पे नीतीश पहुंचे हैं क्या? बिल्कुल आलोक, मैं बताऊं आपको, क्योंकि जो सिद्धू जो तमाम इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को खास करके कहीं ना कहीं किनारे किया जाता है, इसी वजह से ये शुद्धि का जो करण का कार्यक्रम था वो गौशाले में रखा गया था जहाँ अभय राम यादव अक्सर रहते हैं। उस आवाज पे ही पूरे परिवार ने शुद्धिकरण का कार्यक्रम किया और उसके बाद फिर पुराने आवास जहाँ पैतृक निवास है अखिलेश यादव का और नेताजी का, मतलब नेताजी का पैतृक आवास है, उस आवास में ही सारे परिवार के सदस्य मौजूद है। बाहर एक बड़ा लॉन है, वहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, स्थानीय लोग, अगल बगल क्षेत्र के तमाम लोग मौजूद है। और जी चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी।